अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाहिदा है, मैं मुस्तफ़ा हिल्स में रहती। मेरी बकरी जो है सो गुम हो गई, कल मगरिब से नहीं दिख रही। ऐसा आज से नहीं, एक हफ्ता पहले भी मेरे बाजू वालों की बकरी और उससे पहले भी बकरियां बहुत चोरी हो रही, लेकिन कल जो है सो मेरी मगरिब के बाद से मेरी बकरी नहीं नज़र आ रही। मैं अब यहाँ पे बल्लागुड़ा PS में आके कंप्लेन करी, यहाँ पे पुलिस वाले जो है सो कार्रवाई कर रहे हैं। आपको क्या मालूम आज? आज हमें ये मालूम हुआ है कि क्राइम ब्रांच के लोग हमारे साथ, जितने भी हमारे बकरियां गए हुए हमारे साथ आए, वो लोग वहाँ पे मालूमात करे, कैमराज देखे और जो है सो वहाँ पे जाकर उन लोगों को पकड़ के भी लेके आए। मिले बकरी चोर? बकरी चोर मिले, लेकिन हमारे बकरियां नहीं मिले। आप जी कितने लोग थे? तीन जनों थे वो लोग जो फरार हुए, और भी ज्यादा होंगे, लेकिन हम लोगों को तीनों मिले, और भी बहुत लोग होंगे ग्रुप लोगों का, नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन हमको हमारी बकरियां चाहिए। आपकी कितने टोटल? मेरी एक है और मेरे भाई लोगों के भी जो है तीन तीन चार चार दो दो ऐसा बकरियां हैं, कम से कम पूरे मुकम्मल 14-15 बकरियां हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रहता हूँ बल्लागुड़ा गौस नगर, मेरा घर है। 15 तारीख के दिन एक बकरी चोरी हुई, फिर कल शाम में एक बकरी चोरी हुई। कई दिन से चल रहा, चलते हुए आ रहा सिलसिला ये। बकरियां ला रहे हम, पाल रहे, कर रहे, सो बच्चा कर रहे, इन एक ही झटके में ले लेके चले जा रहे। हमको कुछ भी नहीं है कि एसआई साहब से आके कंप्लेंट दिए, इधर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमको, इधर फैसिलिटी अच्छी मिली, कि हमको पूरा भरोसा है उनके ऊपर, एसआई साहब के सर्कल साहब से जैसा हम कंप्लेंट दिए, हमको रिस्पॉन्स मिला उनको वैसे। किस तरह से बकरियां लेके जा रहे? ये टू व्हीलर पे आ रहे, एक जने राउंडिंग पे है, दूसरे जने उठा के लेके जा रहे कवरिंग पे। टोटल कितने की टीम है लोग होंगी? ये टोटल 7-8 की टीम दिख रही है पूरी, पूरे एक जगह लेके जा रहे। कहाँ बेच रहे, क्या नहीं बेच रहे, नहीं मालूम हमको। सिर्फ अपने को इस हिसाब से सरकार साहब से ये गुजारिश है कि अपने को हमारे बकरियां हमको मिलना चाहिए, और ये कई दिन से चलते आ रहा, मर गया, आज तक पकड़े नहीं गए। कौन से एरिया को टारगेट बना रहे? ये बल्लागुड़ा गौस नगर, वाजिबा मुस्तफ़ा नगर, हुबा कॉलोनी, ये एरिया में टारगेट बना रहे। अब हम तो घर में सारा दिन छोड़ दे।